ये है कि जब हम दिन रात घूम रहे हैं कहीं पे, अगर पानी पीने भी उतरते हैं तो कोई ना कोई मिल जाता है, भाई राम राम, जनता सरकार मोर्चा तो बढ़िया कर रहा है यार। अगर कहीं भी इस तरीके से समाज में आपने पेनेट्रेशन कर लिया, आप इस तरीके से घुस गए हो अपने विचार के साथ कि कहीं से भी आपको कोई भी साथी आगे बोल दे कि भाई आप तो अच्छा कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है समाज में इतने कम समय में। लेकिन इसका दूसरा विचार भी ये आता है कि ये जो स्वीकार्यता है आपके विचार की, ये एक दो दिन की नहीं है, कोई 20 साल से लगा पड़ा है, कोई 15 साल से लगा पड़ा है, कोई 10 साल से लगा पड़ा है, ये तो उसका परिणाम मात्र है। एक दिन में, दो दिन में ये विचार पे बात नहीं बनती। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, कोई भी साथी, पीछे टोपी भाई आयुष आजा, अरे आजा, तेरी जरूरत है, आजा, राम राम ही कर दे, आजा, आओ भाई। शुभ नाम भाई? हाँ जी। शुभ नाम? मनोज। मनोज, मनोज भाई हैं पलवल से, आप वहीं थे कार्यक्रम में ना अपने साथ? हाँ। 3 दिन का जो इनका अनुभव है वो आपके बीच में रखेंगे कि क्या मिल जाता होगा 3 दिन के उस कार्यक्रम में कि युवाओं को जरूरी करना चाहिए। यहाँ पर आए हुए सभी सम्माननीय हमारे बुजुर्ग और हमारे मित्र साथियों, आप सभी के सामने मैं एक थोड़ा गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जो आज के समय में राजनीतिक पार्टियाँ हमारा जो फ़ायदा उठा रही हैं, हमारे डर का फ़ायदा उठा रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाती है एक बहुत बड़ी बात कि दो पार्टियाँ बट गई या 3 पार्टियाँ बट गई, वो आपको डिवाइड करना चाहती हैं। एक कहती है मुसलमान खतरे में, एक कहती है हिंदू खतरे में। ये आम तौर पे जैसे अभी हमारा गोहाना में सत्र चला, तो जब हमने घी एकत्रित किया था ऐसे शुभ कार्य के लिए, तो उस समय में इन पार्टियों ने, जब हम गांव में जब इन सब बातों को लोगों को समझाते हैं, गांव-गांव जाके हमने घी एकत्रित किया और वहां लोगों को समझाया, तो लोगों का लास्ट में अंत में एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जी वहाँ पे तो ऐसा हो गया, वहाँ पे देखो मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पे देखो हिंदू ऐसा कर रहे हैं, और हमारा तो भारत बहुत बड़े खतरे में चल रहा है, और हमारा इनको वोट देना मजबूरी है इस तरह से, और वोट दें तो हम किसको दें, इनको दें या इनको दें, ये तो हमारी मजबूरी है, दो में से एक तो चुनाव करना ही पड़ेगा। और यदि हम हिंदू लोग जो कहेंगे वो ये कहेंगे, यदि हम यहाँ हिंदुओं को वोट नहीं देते हैं तो हमारा मुसलमान हमें ऊपर चढ़ाई कर देंगे, दिल्ली में देखो क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो मैं इस पे एक दिन बड़ा विचार सागर मंथन कर रहा था, तो मुझे एक बात समझ में आई, हम देखते हैं कि भाई पुलिस तो हमारे लिए है ही नहीं, हमारा जहाँ भी ऐसा मुद्दा दंगे फसाद का किसी भी चीज़ का खड़ा हो गया, तो वहाँ पे एक नेता के वहाँ यदि कोई दंगा फसाद हो जाता है तो 1 मिनट में पुलिस आपके वहाँ पहुँच जाती है, टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर एक आम आदमी का झगड़ा होता है तो मुश्किल से बड़ी मुद्दत के बाद में वहाँ पे पुलिस आएगी, वो भी लिखित रूप में, औपचारिक रूप में कार्यवाही करके ले जाएगी। तो कहने का मतलब ये बात क्लियर होती है कि पुलिस प्रशासन जो है, जो पहले भी राजीव भाई दीक्षित जी ने भी बताया है और भाइयों ने भी जब पलवल सत्र में भी बताया था कि आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं है, आपको दबाने के लिए पुलिस है, आपके ऊपर शासन करने के लिए पुलिस है। इसी तरह अब हम सोचते हैं, हमारा कोई भी भाई है, बेटा है, वो आर्मी में लग गया, हम सोचते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, देश के लिए काम कर रहा है। लेकिन असल में क्या है, आर्मी अभी देख रहे हैं मणिपुर में क्या हाल हो रहा है हिंसा का। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए हिंसक गतिविधियां करवाती हैं, देखने में लगता है कि हमें बचाने वाली पार्टी ये है, और वही पार्टी हमें हिंसा की तरफ धकेल देती है, उस टाइम पे जो हमारी मुसीबत का टाइम होता है कोई कदम नहीं उठाती है। तो ऐसे मसले में जब भी इस टाइप के कोई भी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं, तो पार्टियां जानबूझ करके, सरकारें जानबूझ करके हमारी सेना को आदेश नहीं देती हैं कि भाई हमारी रक्षा की जाए, ये सब समस्याएं हमारे सामने आती हैं।
तो हमें ये पता चलना चाहिए ये पुलिस काम कर किसके लिए रही है, ये आर्मी काम कर किसके लिए रही है। हमारे लिए तो नहीं कर रही है ना, हम अपने देश में अपनों के बीच में रहते हुए सुरक्षित नहीं है। अंदरूनी बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। एक ऐसा ही मसला मेरे सामने आया था, मैं यहाँ पलवल का ही एक केस पेश करता हूँ कि मेरा एक मित्र है, जानकार है, और वहाँ पे मेरी उससे बात हो रही थी। वहाँ पे आज के टाइम में फिलहाल भी जो राजनीतिक MLA है उसकी दुकान में कोई व्यक्ति जो विशेष धर्म से था, कार्य कर रहा था, कोई विस्फोटक पदार्थ के दाने उसे पड़े हुए दिख गए। तो उसने उसको विशेष तौर से पुलिस कंप्लेंट उसने करी CIA में। अब उसके साथ में एक दूसरा लड़का उसका मित्र साथी था, उसने सोचा कि मेरा नाम होगा, फेमस हो जाएगा, तो उसने CIA वालों को बता दिया। तो जब तक CID कोई एक्शन लेती, उससे पहले CIA वाले आए, उसको उस बंदे को उठा ले गए जिन्होंने वो सब कार्य किया था। तो इस वजह से क्या मैटर ये हुआ लास्ट में डिस्क्लोज कि वहाँ का राजनीतिक MLA ने, क्योंकि उसकी दुकान थी, उसने ये मैटर एक मिनट में क्लोज करवा दिया कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब बात दबा दी जाए। कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये था, जो दूसरे कंट्री के देश भी ऐसे जो देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं और वहाँ के लोग आकर के यहाँ तक हमारे देश के हर हिस्से में फैल गए हैं, उन हिस्सों में फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। राजनेता उसमें मिले हुए हैं, राजनीतिक पार्टियां उसमें मिली हुई है। तो ये सब मैटर है, आपकी जो सुरक्षा है वो किसी भी तरह कोई भी पार्टी आपको सहयोग नहीं दे रही है। अभी जो आपका ट्रेनिंग सत्र चला है पलवल में, उस पर मैं बात करता हूँ। तो वहाँ पे आप सभी पहुँचे, आपने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि किसी भी विशेष कार्यक्रम में पहुँचना एक अपने आप में, अपना समय दान देना आज के टाइम पे सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास भी समय नहीं है, और ख़ास तौर से ऐसे टाइम में किसी क्रांतिकारी विचार के लिए लोगों को एकत्रित करना एक बड़ी मुहिम होती है, बड़ा मुश्किल काम होता है। और वहाँ पे आपने जो इतना सहयोग दिया है, काफ़ी मात्रा में हमारे सभी भाई वहाँ एकत्रित हुए और हमें देखने को मिला कि सभी क्रांतिकारी ऊर्जावान और बहुत ही सही दिशा में चलने वाले और सभी को सहयोग से आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसमें ट्रेनिंग सत्र में अब जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें मूल रूप से, अब वैसे तो हमें वीडियो देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे, तो डॉक्टर साहब के वीडियो, उससे हमें नॉलेज मिलता रहता है कि भाई क्या चल रहा है। लेकिन ट्रेनिंग सत्र में आने का विशेष प्रयोजन ये रहता है कि वहाँ पे कोई चीज़ आपसे छूट गई है, कई चीज़ें नई आती हैं। जैसे अभी ये रुपया वाला मैटर आया, तो ये जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे वास्तव में बड़ा अचंभा हुआ कि भाई कोई तरीका वास्तव में निकला है कि जिसके जरिए जो है हम इससे बच सकते हैं, षड्यंत्र से बच सकते हैं। तो इन्होंने इतनी मेहनत करके ये तरीका आखिर में ढूंढ निकाला है, जो कि बड़ा अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। और किसानों के लिए तो हम आमतौर पर देखते हैं कि बैंक लास्ट में क्या करते हैं, घर घर नोटिस भेजेंगे लोगों को परेशान करने के लिए, बैंक में डिफाल्टर होने के नोटिस लगा देंगे कि भाई फला फला आदमी डिफाल्टर है। और दूसरा एक और ऑप्शन आपके सामने दे देते हैं कि जो पहले वाला लोन है उसको रिन्यू करा लीजिए। तो रिन्यू कराने में उसमें क्या है कि मैनेजर जो होते हैं वो अपना हाथ निकालते हैं, क्योंकि उन पे ऊपर से प्रेशर रहता है, लेकिन उसमें आपका नुकसान होता है। सीधी सी बात है, वो दिखा देते हैं कि आपने लोन भरा और ज़्यादा अमाउंट का लोन आपने ले लिया। तो अब इस सारी जो समस्या है उसका एक हमें निदान मिल गया है कि किस तरह से आप जो है इससे बच सकते हैं, किस तरह से अपना लोन आप जायज़ तरीके से चुकतू कर सकते हैं। तो जो भी करेंसी में उतार चढ़ाव का इन्होंने खेल बनाया है, करेंसी डिवेल्यूएशन इन्होंने जो करने का एक प्रोपगेंडा बनाया हुआ है कि वर्ल्ड बैंक लोन जब ही देगा जब आप करेंसी का डिवेल्यूएशन करोगे, तो वहाँ पे ये सब प्रोपगेंडे में अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, उसमें आप फ़ायदा उठाइए उनकी मजबूरी का, जैसे आम आदमी की मजबूरी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। अगर आप यहाँ मजबूती से टिके रहेंगे
तो अपने आप ही उनके पांव कच्चे हो जाएंगे, अपने आप ही वो एक साथ जब उनके पास लाखों की तादाद में फार्म जाएंगे तो आप समझिए कि कितना बड़ा झटका उनको लगने वाला है। वो मजबूर होगा एक व्यवस्था का परिवर्तन होने के लिए, एक रास्ता बनता है, एक मजबूत नींव बनती है उस चीज की कि गवर्नमेंट को भी पता लगेगा कि कितने लोग हैं आखिर में जो इस राज को जान चुके हैं। और जितने ज्यादा लोग इस राज को जान जाएंगे उतना ज्यादा लोगों को उस जो अंग्रेजों के टाइम से व्यवस्था बनी पड़ी है उसको पलटने में आसानी होगी। तो आप सभी से यही सहयोग की मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और पूरी तरह से अपना सहयोग देते हुए यह कार्य पूर्ण करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। इन्होंने अपना अनुभव क्या, इन्होंने तो पूरा ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा बता दिया। बहुत बड़ी बात है कि 2-3 दिन के अंदर हम इतना बता पाए, इतनी चर्चा सभी के बीच में हुई कि भाइयों को इस हद तक डिटेलिंग में विषय समझ आया। जैसे देवेंद्र भाई कह रहे थे ना आपको कि आर्य जी कह रहे थे कि बता दो ऐसा क्या है, तो 5 मिनट में तो क्या बताएं। एक एक विषय पे अगर बात करें तो कई कई घंटे का विषय है। कुछ साथी कह देंगे कि इतना टाइम किसके पास है, तो फिर आपको समाधान भी नहीं मिलने वाला। तो फिर आप आराम करिए, जैसी व्यवस्था चल रही है वो चलेगी। अब पिछली 4 ट्रेनिंग में जो उत्साह में मिला है, तो जैसे पलवल में हमने 9 तारीख को खत्म की तो उसी दिन कई साथियों ने बोला कि भी अगली कब होने वाली है, तो हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि वहीं से कुछ साथियों की अगर विचार आया कि अगली बताओ। और जो ये प्रोग्राम था आज का, ये भी बहुत नज़दीक टाइम में था, तो हमने पूरे हरियाणा कम से कम मतलब इतनी गजब मेहनत करी है साथियों ने, 3000 से ज़्यादा साथियों को कॉल किया है पिछले 4 से 5 दिन में। यहाँ पे जितने साथी आए होंगे लगभग को फ़ोन आया होगा, और कई जगह तो रिमाइंडर कॉल भी करवाया है कि भाई 16 तारीख को है। हमारे साथ में पानीपत से भाई बैठे हैं, नाराज़ हो गए, जिस भाई की ड्यूटी लगी थी वो शायद भूल गया कि पानीपत में मेरे को कॉल करना है, उसको बैठ के करेंगे चर्चा कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कॉल रिमाइंडर कॉल, और खुशी की बात ये है कई जिलों में तो कि भाई करनाल में तो कम आ पाएंगे लेकिन 3 दिन की ट्रेनिंग में संख्या ज़्यादा है, ये एक बड़ी बात है। अब जो अगला एक हफ्ता बचा है, लगभग 4 दिन बचे हैं बीच में, एक हफ्ता तो नहीं बचा, अगले 4 दिन में फिर एक बार छलनी लगेगी कि भाई जितने साथियों ने हाँ करी थी वो सच में आने वाले हैं क्या। क्योंकि मैं कई बार कई योद्धाओं को पढ़ता हूं, तो दयानंद जी को जब मैं समझता हूं पढ़ता हूं तो वो ये कहते हैं कि अपने टाइम में वो कहते थे कि जब तक मेरे जैसे कई हजार ना हो जाए ना तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। अब मैं खेती की बात कर रहा हूं तो जब तक खेती पे बात करने वाले हजारों नहीं हो जाए तब तक बात नहीं बनेगी। देवेंद्र भाई एजुकेशन पे कब कर रहे हैं, वर्मा जी रुपए पे कर रहे हैं, सुशील जी आयुर्वेद पे कर रहे हैं, जब तक ये तादाद गुणा में गुणात्मक वृद्धि नहीं करेगी तब तक समाधान नहीं होगा समाज में। एक आदमी कितना दौड़ सकता है, 5 आदमी कितना दौड़ सकते हैं, जब तक उस विचार को लेके, उस विचार के ध्वज को लेके, उस झंडे को लेके दौड़ने वाले हजारों लाखों नहीं होंगे तब तक परिवर्तन नहीं आता। आप देखिए इस व्यवस्था में आपकी जमीन को कब्जाने के लिए एक एक बैंक में 20-85 कर्मचारी हैं जो लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो पे लगे हुए हैं, और कितने सैकड़ों बैंक हैं, और हर जगह एकदम यूनिफॉर्म व्यवस्था है, एक रूपता एक जैसी व्यवस्था पूरे भारत की और भारत के बाहर की भी। तो ये जो कार्यक्रम है, जो राज्य स्तरीय मीटिंग की हम बात करते हैं या फिर बार बार मिलने की बात करते हैं, उसका केवल एक ही टारगेट रहता है कि हमें मोटिवेशन मिले एक दूसरे से। एक जगह 20 साथी आएंगे,
उनको मोटिवेट किया, अगली बार 30 हो जाएंगे तो और प्रेरणा मिलेगी, अगली बार 100 हो जाएंगे तो और प्रेरणा मिलेगी। कुछ साथी पलवल में ये कह रहे थे कि लगभग 130 साथी हैं और पुराने वाले तो 15 ही हैं, यानी जब पहली दो तीन मीटिंग हुई उसमें 70-80 थे, उसके बाद 100 थे, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संख्या बढ़ रही है। और वो तब है जब पुराने वालों को बोल दिया जाता है तुम्हें नहीं आना, नयों को ही भेजना है, क्योंकि वही साथी दोबारा आएंगे तो फिर काम ढीला पड़ जाएगा, उनको अपने वहां पे भी काम करना है। तो अगली ट्रेनिंग जो हिसार में है 21-22-23 को, इसी 21-22-23 जुलाई को, उसमें बहुत बड़ा आंकड़ा तो आया है, लेकिन आप सबसे भी ये निवेदन है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा साथी उसमें भेजें ताकि व्यवस्था की इस गड़बड़ को समझा जा सके। हम कई बार 5-5 घंटे बोल लेते हैं, कुछ कहेंगे तू तो समस्या पे रोना रो रहा भाई। अब जब तक समस्या समझ में नहीं आएगी तो समाधान कैसे समझ आएगा? आज समाज में सबको पता है समस्या पर, थोड़ी थोड़ी पता है, लेकिन उस समस्या का पूरा जड़ से लेकर और फल तक, पूरा का जो वृक्ष है वो समस्या का, वो नहीं दिखेगा तब तक समाधान पे बात हम नहीं कर पाएंगे। कई जने कहेंगे भाई मेरी खेती में ये आ गया भाई, इसमें एकदम से तो बात नहीं बनती, इस पे बैठ के 3-4-5 घंटे की चर्चा है, अगर कर सकते हैं तो 4-5 घंटे करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर समाधान कम और समस्या पे रोना ज्यादा रहेगा हमारा। तो कोई और साथी जिन्होंने पिछली ट्रेनिंग से अनुभव लिया हो? हाँ जी, आप ट्रेनिंग में थे? अभी ट्रेनिंग वाला है, मीटिंग में थे आप, उस मीटिंग वाली पे बाद में बात करेंगे। जिन्होंने 3 दिन एक साथ बिताए हैं, एक साथ रह के, अरे कोई तो बोल लो, एक आधे का तो पता चला है जो जिंदा है, ये जिंदा थोड़े है तो बच रहे हैं समाज में। सबको नमस्ते। आगे बताओ। सब जितने भी भाई आए उन सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था, व्य माने आदान प्रदान करना, और अवस्था अनुभव है, ये अपना है तो अपने लायक होगा, और ये अनुभव किसी दूसरे का है भाई, गाड़ी की कोई दूसरा बना के देने लाग रहा है तो वो तो गाड़ी आपके हिसाब से बनाओगा, सारे कानून भी आपके हिसाब से बनाओगा, और वे भी जब हमारे बच्चे बनाने लग जाए, हमें खुद बनाने लग जाए तो अपना काम अपने तो रह जाएगा। लेकिन अपने जो भी अनुभव रहा इस देश का, पाछ जितने भी अंग्रेज जाते रहा, वो सारा सिस्टम ही सारा है कि अपने धंधे धीरे 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 बंद होते गए और अपना जो ज्ञान था वो अंधकार की तरफ डूबता गया। और इतना सिस्टम समझ आया कि परसों कौन चौथे की बात है, 3-4 दिन पहले लगी, एक छोटा सा बाण जाए मेरा 4 साल का, उसने कहा मैं फोन देखने ला रहा, मैं बोले यार आप खेल लिया दनू, ने बोला ना मामा कर आप कौन खेलना तेनों दनू, मैंने खेलन दे फोन पे, मैं बोला यार कम तक कम तेरा खेलना आ रहे जो गले ओड़े भी खेल देगा, नहीं बोला हाँ मैं कह देने, नहीं बोला 10-12 मैं नाम बता सके, ने बोला हाँ दोस्त है नाम बता दूंगा, दोस्त है नाम बताने लगे, मैं बता भाई उसमें 2 छोरिया के नाम आ गए और वे भी सागी काकी काके ताऊंगे। जब मैं उसने पूछने लग गया, मैं बोला ये तो तेरे भाई बहन है, नहीं बोला ना ये मेरे दोस्त है, 4 साल का बालक, वो दोस्त शब्द मिला करते है। एक सवेरे प्राइवेट स्कूल का सवेरे आंधे आन फोन आ रहा था, न्यू बोला जी न्यू काम है, मैं बोला भाई इस चीज खातर मीटिंग खातर जान ला रहे हैं, तो न्यू बोला हमें तो शिक्षा घनी अच्छी दे वहां लेंदे तो कौन टाबर, मैं शिक्षा दे ही कब, जब इनकी किताबें पर फर्स्ट पेज पर नाम लिखोड़ा पावे है, ये किताबें कुछ संगठन और संस्थाओं के माध्यम से छापी गई है, वे संगठन और संस्था जाके देखो नहीं कौन सी है, मसूरी आगे टेलीविजन में संडे या मंडे रोज खाए अंडे, उसे साल किताब में भी नाम मडोड़ा आ गया, प्रोटीन विटामिन कहां से मिलता है, अंडे मांस मछली थे, तो मैं बोला जी आपने पढ़ाया, ने बोला जी पढ़ाया, जब वो खांदे आने के कह नुबिला तू ये दियो चीज खान लाए रहा, नुबिला जी यह तो सिखाया है हमने, तुम्हारे बच्चे बिगाड़ने कौन लाग रहे, आपने कदे गौर करया नुबिला जी यह तो कौन करया, मैं मेरा दोस्त पिकनिक पार्टी पर गए
तो टाबरिया बच्चा तो नाम पिकनिक पार्टी यार दोस्त आ गया नाम। ये छोटी छोटी सी बात है जो बच्चा ने कम और जो पिकनिक पार्टी पापा भेजन लागे तो बच्चा जड़े भी पार्टी का नाम पड़ेगा तो वो एकदम कूद के पड़ेगा। उन्हें बच्चा ने जो कम और कारखाने या उद्योगिक जो धंधे वे दिखाने खातर ले जावांगे तो बच्चा का दिमाग इस साइड में जाओगा। इतना बड़ा स्वरूप होता है बीज एक कम और बच्चा में बोए जान ला रहे आज के दिन। और यो हाल खेत में अंबाला वाली अच्छा 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 तो जोड़े उद्देश्य है भैया अपना अनुभव कह रहा उड़े अनुभव ही दियो रहा क मोटी मोटी तो इन्होंने जुकर बता दी उनकी गहराई का जड़ में फिर हमें सरलार ताकत आगे हम हमें कर दे गए जुकर पढ़ाई के बारे में बताया गया आगे राजनीति के बारे में बताया गया और एक चीज़ पर छोटी छोटी बातें नहीं दी जुकर मैं बताने ला रहा था। इन पर मैंने सर्वे करने स्टार्टिंग कर दी है चाहे खेती बाड़ी हो चाहे इन चीज़ पर भाई खेती बाड़ी मारी सुधरेगी कुकर और घर परिवार है सुधरे कुकर और इन चीज़ें ही और पीसा जो ये बीच में तो लिकट जाएगा तो इसके बाद में व्यवस्था के होगी या अनुभव के होगा सारी चीज़ें का जो भी काम धंधा था उदो काम और हमने और तो सीखण खातर मिला। उसके बाद में समाज में गए सारी बात बताने की कोशिश करी। उसके बाद में कुछ साथी और होए भाई हमें भी आवांगे तार गले जब दुनिया ने वे बात अच्छी लगी भाई न्यू न्यू प्रोपगंडा या पाखंडवाद यदि सौदा सिस्टम देश में चलन ला रहा है जिसका कोई ना तो अनंत है क्योंकि ज्ञान का भी कोई अनंत कोने होता और विनाश का भी कोई अनंत कोने होता दोनों चीजों का कोई अंत नहीं होता। चल ले आप जो ज्ञान की तरफ तो बढ़ने लग जाएगा तो समाज ने बढ़ावा दे देगा और विनाश की तरफ बढ़ने लग जाएगा तो विनाश ने बढ़ावा दे देगा। यही कहते हुए मैं अपना हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ।